सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। ये गाड़ी वैगन आ रहा है, जिसमें देखिए हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाने वाले हैं। ये देखिए यार, कार्रवाई ये देखिए टायर, देखिए कहीं कहीं गड्ढे पड़ रहे हैं, टायर के अंदर रोड की टॉप भी है इसमें। इसके देखिए सोकर, ये सोकर जंप ले रहे, इधर दिखाइए, ये इधर का टायर भी ऐसे ही गड्ढे पड़ रहे हैं। ये देखिए इसमें जो है हम दोनों सोकर न्यू डालेंगे और सस्पेंशन चेक करेंगे, फुल सस्पेंशन चेक करेंगे इसमें दोनों साइड। व्हील खोलेंगे दोनों, दोनों कंट्रोल आर्म नए डाले हुए हैं इसमें पहले से ही, दोनों साइड के नए डाले हुए हैं ये रे। और इसमें हमें क्या करना है, इंजन वाइब्रेट भी कर रहा है इसका स्टीयरिंग, इंजन अंदर से बैठते हैं सीट पर तो वाइब्रेट करता है इसमें। इसके तीनों इंजन माउंटिंग, तीनों इंजन माउंटिंग, ये पूरा इंजन वाइब्रेट हो रहा है। ये देखिए ये देखिए, तीनों इंजन माउंटिंग चेंज करेंगे। रियर माउंटिंग चेंज करने के लिए हमें चेचिस निकालनी पड़ेगी, इसकी नीचे लूज करनी पड़ेगी ये वाला। जैक डाउन कर, ये देखिए सभी फिटिंग खोल दिया तो पूरी चेचिस बाहर निकालेंगे। ये देखिए ये पूरी चेचिस बाहर निकाल दिए। ये देखिए वाल जॉइंट ठीक है, इसके एंड भी ठीक है, इसकी इधर के भी ठीक है, और ये कंट्रोल आर्म भी ठीक है। ये चेचिस इसलिए निकाला है हमने, इसका रियर माउंटिंग चेंज करेंगे इंजन का। ये देखे ये कटा हुआ है माउंटिंग, इसको खोलेंगे चेंज करेंगे जैनवन इसको खोलेंगे। ये देखे इंजन बूट का, ये देखे इंजन माउंटिंग, ये वाइब्रेट इसी वजह से कर रही है, इसको चेंज करेंगे। ये तीनों माउंटिंग है जैनवन MGT के, और ये सोकर है दोनों MTX जैनवन है, ये दोनों सोकर ये लगाएंगे। जैनवन है जी, ये देखिए इसको लगाएंगे, बोल्ट को टाइट करेंगे माउंटिंग के, हल्का सा लूज छोड़ देंगे बाद में फुल टाइट करेंगे इसको। चेचिस लगाएंगे इसकी, अब ये पिनियन का बोल्ट लगाएंगे अंदर से। चलो चढ़ाओ जैक, बस बस रुक। ये देखिए पिनियन का बोल्ट, ये बोल्ट लगाएंगे इसका। ये पिनियन आ गया इसका, ये देखे बोल्ट लगाएंगे और नीचे से फिटिंग करेंगे। बोल्ट टाइट कर दिया है, इसके बाद में नीचे की फिटिंग करेंगे, दोनों साइड के बोल्टों को टाइट करेंगे। बोल्टों को
टाइट कर दिया, दूसरी साइड के दोनों बोल्टों को टाइट करेंगे, फिर ये इसको नक्कल में लगाएंगे कंट्रोल आर्म को। स्पीड पिन डालेंगे इसमें, स्पीड पिन डाल दिया, ये देखिए। और अब टायर रोड को लगाएंगे, स्पीड पिन डालेंगे इसमें, इधर साइड के बोल्टों को भी टाइट करेंगे। ये बोल्ट को टाइट कर दिया, इसको भी टाइट कर दिया है, ये स्पीड पिन डाल दिया दोनों में। नीचे की फिटिंग करेंगे, माउंटिंग के तीनों बोल्टों को लगाएंगे, नीचे से माउंटिंग के तीनों बोल्टों को टाइट करेंगे और अंदर वाला भी टाइट करेंगे। इंजन माउंटिंग का बोल्ट टाइट कर रहे हैं, इसको टाइट कर दिया अच्छे से। साइलेंसर लगा देंगे इसके बाद में, ये झूला लगाएंगे इसको, इसके बाद में शॉकर खोलेंगे, शॉकर चेंज करेंगे और दो इंजन माउंटिंग बाद में चेंज करेंगे, पहले गाड़ी को व्हील पर खड़ी कर लेंगे दोनों शॉकर चेंज करके। ये ऊपर के दोनों बोल्टों को खोलेंगे, ये दूसरी साइड का खोल ले अभी, दोनों शॉकर को बाहर निकालें कैम्बर के लिए बोल्ट। इधर का शॉकर निकालेंगे, ये देखिए इधर का शॉकर, ये देखिए दोनों शॉकर। ये देखिए दोनों शॉकर चेंज होने, ये देखिए दोनों शॉकर जेन्युइन लाए हैं। ये लेफ्ट साइड का है, ये राइट साइड का, इन दोनों को लगाएंगे, दोनों जेन्युइन पार्ट्स हैं, एमपीएफ पे जेन्युइन, इन दोनों को लगाएंगे और गाड़ी में मजा आ जाएगा बिल्कुल। ये देखिए ये नट लगा रहे हैं ऊपर के, दूसरी साइड का भी लगाओ, ये बोल्टों को लगाएंगे। दोनों नट को टाइट करेंगे बोल्टों को, शॉकर के बोल्टों को बढ़िया टाइट करेंगे। ये बोल्टों को टाइट कर दिया है दोनों को, इसके बाद में दूसरी साइड पे टाइट करेंगे। इधर से कंप्लीट है, इधर का टायर लगाएंगे व्हील, दूसरी साइड के नट लगाएंगे शॉकर के ऊपर से, ये
इधर के बोल्टों को टाइट करेंगे। गाड़ी एकदम बेहतरीन जंप लेगी आगे से, फर्स्ट क्लास एकदम। इंजन माउंटिंग भी चेंज करेंगे, इसके दो माउंटिंग रह रहे हैं अभी, चेंज करेंगे। बोल्टों को इनको अच्छे से टाइट कर दिया, इसके बाद में दोनों व्हील लगाएंगे। अब दोनों साइड के व्हील लगाएंगे, इसके बाद में गियर माउंटिंग चेंज करेंगे। गियर माउंटिंग खोल रहे हैं, इसको चेंज करेंगे। इस साइड के चार बोल्ट होते हैं इसके, और एक बोल्ट सेंटर वाला, इसको भी खोलेंगे। गियर बॉक्स में जैक लगा लेंगे। ये गियर माउंटिंग है, ये देखिए, ये पुराना है, नया दिखाता हूँ आपको मैं। ये नया है, ये देखिए नई में, और इसमें डिफेक्ट देख सकते हो आप, इतना डिफेक्ट है। ये जो है नीचे बैठ गया है, ये देखिए, ये डिफेक्ट है, ये नया है, इसको लगाएंगे। ये देखिए, ये माउंटिंग के बोल्टों को लगाएंगे, और फुल टाइट करेंगे, सेंटर का बोल्ट लगाता हूँ अभी। ये सेंटर का बोल्ट है, ये सेंटर का बोल्ट है, इसको टाइट करेंगे। चारों बोल्टों को टाइट करेंगे, और पांचवे सेंटर का बोल्ट, बोल्टों को टाइट कर दिया है। सभी को ये सेंटर का बोल्ट भी टाइट कर दिया है। इधर की फिटिंग करेंगे, ये बैटरी की प्लेट लगाएंगे, फिटिंग करेंगे। फ्रंट इंजन माउंटिंग खोलने के लिए सीएनजी किट थोड़ी हटानी होगी। ये बोल्टों को खोलेंगे, इसके साइड के बोल्ट भी खोलेंगे। कैम्बर में जैक लगा लेंगे, ये माउंटिंग का बोल्ट, माउंटिंग हटाएंगे। ये देखिए, ये नया है, इसमें भी सेम कंडीशन है। ये देखिए, यहाँ से पता लगा सकते हैं, ये देखिए, ये मिल गया है, ये देखिए कितना है। ये माउंटिंग को लगाएंगे, ये सेंटर का बोल्ट है, इसको टाइट करेंगे। ये नट लगाएंगे, बोल्ट, तीनों बोल्टों को टाइट करेंगे इसको, और सेंटर का बोल्ट। सीएनजी का बोल्ट लगा देंगे, सीएनजी हटाई दिए।
बोल्टों को टाइट कर लिया। इसके बाद में ये सेंटर का बोल्ट टाइट कर दिया। अब सीएनजी का बोल्ट लगाएंगे। सीएनजी खोल दिया हमने। ये देखिए गाड़ी आगे से जंपिंग जो सोवर फैन की है, इधर से देखिए। ये देखिए ये दोनों टायर चेंज कराएंगे, नए डालेंगे, सीएट कंपनी के। ये गाड़ी हो गई कंप्लीट हमारी। इंजन स्टार्ट करके दिखाएंगे, वाइब्रेट तो निकल रहा। इंजन स्टार्ट करेंगे, वाइब्रेट चेक करेंगे। स्टार्ट करो, ये देखे कोई वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी के अंदर। ये गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है और सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे।